दोस्तों सूर्यवंशी का हम सभी को इंतजार है कि फिल्म कब आएगी। पिछले एक साल से हम सब इंतजार ही कर रहे हैं और आखिरकार हमारे हाथ में लगा क्या, तंबूरा। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे तंबूरा हाथ नहीं लगेगा, यहाँ पे खबर हाथ लगी। खबर यही है सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को तो आ रही है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ये खबर अब आई है कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से मेल्स अब जाने लगे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को, जो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, इसके अलावा बाकी जो अलग अलग टेरिटरीज अभी बची है वहां पर भी मेल्स जाने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि 2 अप्रैल 2021 ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है रिलीज डेट। यहाँ पे कुछ चीजें जो अड़ंगा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अड़ंगा ये है कि मल्टीप्लेक्सेस चैन जो है, आईनेक्स है, जैसे पीवीआर है या सिनेपोलिस, ऐसे कई सारे जो चैन है, उन्होंने अपनी रजामंदी अभी तक दी नहीं है और कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी मल्टीप्लेक्सेस चैन अपनी रजामंदी देंगे, क्योंकि सिंगल स्क्रीन जो इतना जितना कमाएंगे ना उसके बाद उनकी जल जाएगी। यानी कि मल्टीप्लेक्सेस के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन के पास चार चार पांच पांच शो जब अलॉट करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो सिंगल स्क्रीन बहुत कमाई करेगी और ये मल्टीप्लेक्स वालों को अच्छा नहीं लगा। तो मल्टीप्लेक्स वाले भी कैसे भी कुछ भी हो, लेकिन हाँ जरूर कहेंगे। और यहाँ पे एक और चीज है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओटीटी रिलीज को लेकर क्या सीन है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 महीने तक का जो स्लॉट है वो कहा जा रहा है ओटीटी रिलीज के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि ओटीटी पर फिल्म जो रिलीज होने वाली है उसके लिए मेकर्स यही डिमांड कर रहे हैं कि तीसरा या चौथे हफ्ते में ही फिल्म रिलीज हो जाए। यानी कि मान के चलिए कि अगर 1 तारीख को फिल्म रिलीज होती है अप्रैल महीने में, या 2 तारीख जो ऑफिशियल्स की डेट है, तो ये फिल्म 3rd week of April यानी कि 20-22 तक रिलीज हो जाए। यानी कि जो स्लॉट नॉर्मली जो होता है ओटीटी रिलीज का वो 2 महीने बाद होता है। यानी थिएटर में जो 2 महीने फिल्म रिलीज होती है 2 महीने के बाद उसे ओटीटी पर डाला जाता है, तो वैसे यहाँ पे नहीं होने वाली। जैसे मास्टर फिल्म 16 दिनों में सिर्फ ओटीटी पर रिलीज हो गई थी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ता या टू मैक्स 4 हफ्ते के बाद ही ये फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी। या फिर हाइब्रिड मॉडल रिलीज की भी बात की जाए, हाइब्रिड मॉडल रिलीज जैसे कि यूएसए में हुआ था, जहां पे एचबीओ मैक्स पर वंडर वुमन 84 जो है ना थिएटर में भी उसी दिन रिलीज हुई थी और एचबीओ मैक्स पर भी उसी दिन रिलीज हुई थी। तो वो भी हो सकता है कि सूर्यवंशी थिएटर और ओटीटी पर एक साथ आएगी, लेकिन यहाँ के ऑडियंस और यहाँ की मेंटेलिटी को देखते हुए एक बहुत बड़ा एक खतरनाक कदम होगा और बहुत नुकसान होगा। और अगर यही करना था तो मेकर्स ने 1 साल रुके काय को, है ना, तो ये वाला ऑप्शन फिलहाल हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हाँ ये समझ सकते हो कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद ये ओटीटी पर आ जाएगी। तो बड़ी खबर ये है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में लेटर्स भेजे जा रहे हैं मेकर्स के द्वारा ताकि थिएटर्स का स्लॉट किसी और को मत दे, और वैसे ही बाकी जगह भी भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल को हर हाल में अब आने के लिए तैयार है।